बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पंजाबी व्यूज चैनल उपर तुहाडा अपना मेज़बान एडी हाजिर है। तो अज की वीडियो बड़ी इंट्रस्टिंग होने वाली है। अज बनारस का रेलवे स्टेशन जिहड़ा कि उहदा नाइट व्यू लैके आए हैं, बहुत कमाल का नाइट व्यू आ। तो मेरे नाल बैठे ने जिशान बेग, किदा की हाल चाल? ठीक ठाक हो? अज की वीडियो जी वीडियो अज की वीडियो बहुत खूबसूरत आ, बहुत ही मज़ेदार आ, स्वादी आ। वजह है कि जो रेलवे स्टेशन आ बनारस का वह बहुत ही घेंट आओ रल के वेखते हैं किदा घेंट आ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी हम बनारस रेलवे स्टेशन आए हैं, यह प्लेटफॉर्म नंबर 8 देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। चलिए आपको यहाँ का वेटिंग हॉल दिखाते हैं। हाँ देख सकते हैं एकदम एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया गया इसको, अब काफ़ी खूबसूरत है। अब सफाई एकदम एक नंबर है और इसका जो कोड है वो BSBS है। ये देखें यहाँ पर वेटिंग हॉल है, ये अब काफ़ी खूबसूरत परिसर है। यहाँ पर देख सकते हैं अर्धनारीश्वर का बनाया गया है प्रतिमा और सारनाथ और अशोक चिन्ह जो वाराणसी में लिया गया वो दिखाया गया है। ये देखिए झरना टाइप में गिराया गया है। यहाँ पर भोले शंकर हैं और इस साइड है माता पार्वती। आप खूबसूरती देख सकते कितनी खूबसूरत बनाया गया है। और दोस्तों बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वाराणसी से कोलकाता के बीच में, उस स्टेशन में जो लास्ट स्टॉपेज है वाराणसी का वो यहीं को बनाया जाएगा, इसी क्षेत्र को, और इसे फुली एसी में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए बाहर साइड दिखाता हूँ मैं आपको कैसा नज़ारा है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 1080 50 FPS पर शूट किया हूँ और इसे फुल क्वालिटी में देखिएगा। मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। ये देखिए अनारक्षित टिकट काउंटर है, यहाँ पे देख सकते हैं LED स्क्रीन लगाया गया पूरा। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का परिसर दिखाते हैं आपको। बाहर से एक छोटी सी ट्रेन रखी गई है, मतलब टॉय ट्रेन समझ लीजिए एक तरह से, और उस पर जो लाइटिंग की गई काफ़ी अच्छी की गई है। ये देखिए बाहर एंट्री करने का गेट है ये, और जो अच्छा में लोग हैं या फिर दिव्यांग लोग हैं उनके लिए देख सकते हैं यहाँ पर रैंप बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों मेरी वॉइस क्वालिटी कितनी आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं LED स्क्रीन लगाया गया है ताकि बाहर से लोगों को पता चल सके कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है और टाइमिंग क्या है उसका। मैं पास से दिखाता हूँ आपको, जो क्लाउड आ रहा है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है इस समय। ये देखिए यहाँ पर सुगंगा स्पेशल 22:15 प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी। अब BSB न्यू दिल्ली 23:10 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं झंडा शाम हो गया, लग रहा शायद उतारा नहीं गया अभी। ये है पूरे बाहर का परिसर, यहाँ पे हिंदी में बनारस लिखा हुआ है, पास से दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों जो गार्डनिंग किया गया वो काफ़ी अच्छा किया गया है, एकदम हरा भरा लगता है यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे हिंदी में जो बनारस लिखा वो तो और खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए लाइटिंग किया गया अच्छा खासा, इन झाड़ियों में ये जो लाइटिंग है देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए पूरा हरा भरा क्षेत्र। अब चलिए उस साइड आपको फवारा दिखाता हूँ मैं, कितना अच्छा फवारा है। ये जो ब्लू स्काई है दोस्तों, आप इसमें उसको 10 में से कितना रेट देना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और पिछली बार में जब बनाया था कि इसका नाम चेंज हो गया है मरवाड़ी से बनारस, तो उसमें मैंने पूछा था कि आपको यहाँ की नाइट वाली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कई लोगों ने कमेंट किया था, तो उन्हीं के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। यहाँ पे सामने देख सकते हैं बनारस 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 लिखा हुआ है,
ये देखिए फवारा यहाँ पे, दोस्तों बता दूं कि इसको एक तरह से सेल्फी पॉइंट के रूप में लोग यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:42 और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बनारस। पहले इसका नाम मंडुआडी था लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है नाम यहाँ पे बोलने में समझने में, तो इसको बनारस कर दिया गया है क्योंकि वाराणसी में 3 स्टेशन हैं, जो वाराणसी के नाम से एक काशी है, एक वाराणसी है और दूसरा बनारस। ये देखिए पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है ये, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारा बहुत बड़ा बनाया गया है आपका। ये देख सकते हैं कितना सुंदर जलाशय टाइप में बनाया गया है, इसमें लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी की गई है और इसके किनारे एक पाथवे बनाया गया है जिस पर लोग सुबह टहलते भी हैं। आप गार्डनिंग देख सकते हैं यहाँ कैसा है, ये पीपल पेड़ देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, जब ये बन रहा था उससे पहले का नहीं, इसको हटाया नहीं गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ देख सकते पुराना नज़ारा आप, ये देखिए इस साइड। अब चलिए आपको इसका मुख्य द्वार दिखाता हूँ मैं, आप यहाँ देखिए कोविड टाइम पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग की गई है गोले वाली, ताकि 2 गज की दूरी लोग बना के चले। अच्छा चलिए मैं पार्किंग एरिया भी दिखाता हूँ यहाँ का, और यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड सोलर पैनल लगाया गया है और दो पहिया चार पहिया पार्किंग इस साइड है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये देख रहे हैं साइड, ये है लिफ्ट लगाया जा रहा है ताकि अच्छा में लोग जो प्लेटफॉर्म पार करना उनको आसानी हो। जैसे यहाँ लिखा कार पार्किंग, अब पूरा परिसर में अच्छी खासी लाइटिंग की गई है। देखिए इनका आना भी ज़रूरी था, इनको भी किसी को ड्रॉप करना होगा ट्रेन में। और यहाँ पर देख सकते हैं दूर से देखेंगे तो आपको गांधी जी दिखेंगे यहाँ से, ये देखिए गांधी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए भारी परिसर है, बारिश से थोड़ा पानी जमा हो गया है, ऐसे कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पार्किंग बनाया गया है, जो भी 3 पहिया ऑटो होते हैं वो यहाँ पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। फिलहाल इतना परिसर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ का है, और अभी जिस जगह है ये बनारस रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार है। अब हम मेन रोड पर आ रहे हैं, ये जो मेन रोड देख रहे हैं आप, दाहिने तरफ चला जाएगा मंडुआडी चौराहा, वहीं बाएं तरफ चला जाएगा ककरमत्ता। ये देखिए यहाँ पर इसके सामने रेलवे लाइन भी है, ये जो रेलवे लाइन देख रहे हैं ये चला जाता है BLW बनारस रेलवे कारखाना की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं बाहर कैसा नज़ारा है दोस्तों, वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए तभी आपको मजा आएगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय। लो जी सज्जनों कमाल दी वीडियो सी, बहुत जबरदस्त आर्किटेक्चर ते जिशान, मैंने ना दी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट दा पहले ही बड़ा फैन हां कि डेवलपमेंट दा लेवल बहुत अच्छा है, कोई भी चीज बनाई जांदी है उनू बड़े अच्छे तरीके नाल प्रॉपर प्लानिंग दे नाल और खूबसूरती दे नाल बनाया जांदा, और ओदे नाल नाल हुण देखो ये रेलवे स्टेशन आ लागे इस तरह जिस तरह एयरपोर्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके नाल बनाया गया, यानी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ 100 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਆ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ 3-wheelers ਵਾਸਤੇ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਾਈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं जिहड़ी चीज़ नोट करता रहा ना, बहुत कमाल दी वीडियो आ, बहुत एक तो वीडियो क्वालिटी दस रहा, वाकई वीडियो क्वालिटी अच्छी बनाई है, तो कंपाइल करने वाले ने भी कमाल किया है। इहदे च वीडियो दे विच फर्श जिहड़े नज़र आ रहे हैं, टाइल हाल बेशक नवी लगी है जी, लेकिन बहुत लश सी
सफाई का बड़ा जबरदस्त नमदाम है। टाइल का बहुत अच्छा सिस्टम लगाया गया, टाइल पत्थर लगाया गया ना, टाइल कॉम्बिनेशन जो चूज की तरह बहुत कमाल का कलर, जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त। फिर एक चीज होर देखी है कि जिस तरह पिलर का मतलब पिलर नू जिहड़ी टाइल लगी है ना उही एक पिलर तो दूसरे पिलर नू उन्होंने सेंटर च लगा के उहदा पैचअप कर दिता, पैचअप कर दिता जिहदे नाल एक खूबसूरती दा टच भी वध गया और कलर कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट भी बन गया, कंट्रास्ट भी बन गया। और फिर देखा एक पिलर दे उपर उन्होंने अपना दी आबशार दी है जी, उन्होंने कोई अपनी मजबूर मजहबी रस्मां दे हिसाब नाल ना अपना कोई बनाया होया, बिल्कुल वह भी उन्होंने दिखाया कि उत्थे उन्होंने आबशार जिहड़ी उपरों थले सुट्टी हुई है। और जिस तरह बाहर भी दिखा रहा है गांधी जी की फोटो आ जिन्होंने यानी कि इंडिया बनाया ओदी भी फोटो बाहर है। और लेकिन ओदे नाल नाल अगर एक होर भी चीज नोट की है कि अगर बंदा बैठा है ना ट्रेन का वेट कर रहा है तो वह बोर हो रहा है बड़ा मतलब कि आवाजार बैठा है वह बाहर आन के आउटिंग भी कर सकता है, बाहर अच्छा अच्छा खासा फाउंटेन लगा है। हाँ जी, एक ट्रेन का जो इंजन है वह डिस्प्ले रखा हुआ वा, फिर उस तो हट के एक जी आबशार बहुत वीडी बना दी है, ठीक है ना जी, उठे भी तुसी वाकी टाकी कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, सैर कर सकते हैं, काफी बड़े बड़े बना बहुत अच्छे तरीके ना दो जगह ते फाउंटेन लगा दिए गए हैं। हां जी, बड़े अच्छे तरीके ना तुसी जड़ा ना वो अपने आप नु जड़ा एंटरटेन भी कर सकते हैं। वो फिर नाइट व्यू दे विच फाउंटेन दे विच जड़ा कलर स्कीम चलाई है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, डांसिंग फाउंटेन ते नहीं है नहीं लेकिन है सिंपल ही ने। हां जी, लाइट दा जड़ा कॉम्बिनेशन दे देता ना, हां बहुत अच्छा लगदा सी काम। फिर सब तो अच्छी चीज है कि इन दी जेड़ी चल रही है बुलेट ट्रेन चल रही है मेन ओदे वास्ते बनाया गया। हां जी, और कह रहा है फुली एयर कंडीशन जेड़ा ना उनू बंद कीता जाएगा ना, प्लेटफार्म नंबर 8 है मेरा ख्याल जेड़ा है ना, प्लेटफार्म नंबर 8 जेड़ा वा ए इन्होंने मेट्रो दे वास्ते स्पेशली डिजाइन कीता गया है, बनाया गया सही है बिल्कुल, मेट्रो नहीं सॉरी बुलेट ट्रेन वास्ते, बुलेट वास्ते जी जी, बुलेट ट्रेन वास्ते स्पेशली डिजाइन कीता गया जी। और मैं गल करन लगा सी होर भी सिटी दे विच बनारस दे विच होर भी रेलवे स्टेशन होणगे जिथे दूसरी ट्रेन आंदी होएगी, ए मखसूस बुलेट ट्रेन वास्ते बनाया गया जी जी, प्लेटफार्म नंबर 8 जेड़ा ना स्पेशली बुलेट ट्रेन वास्ते बनाया गया जी। यस, और जाहिर गल है फिर बुलेट ट्रेन आनी है तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ते चाहिदा ही ना, चाहिदा जी चाहिदा बिल्कुल, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नु मद्देनजर रखदे हां बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन कीती है, बहुत कमाल दा काम कीता है, बहुत जबरदस्त। और जिथे तक मैनू याद है इथे दा पान भी बड़ा मशहूर है, बनारसी पान कहिंदे ना, जिहड़े दोस्त साडी वीडियो देखदे ने ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਨਾਰਸੀ ਪਾਨ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾ ਕੇ ਪਾਨ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਾ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਟੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।